नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए मंडे 21, 22, 23 दिसंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो इसमें मैंने चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर देता हूँ। बैंक निफ्टी का और बाई सेल लेवल, इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी का बाई सेल लेवल रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और बहुत सारे चार्ट का सेटअप इधर आप लोग को मिल जाएगा और जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत आसान कर देगा और बहुत और भी बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। कैसे स्टॉक चुनता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज और भी बहुत सारा चीज़, कैसे स्क्रीन करता है, कैसे सेफ एंट्री ले सकता है, ये सब चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया हूँ। तो इधर देखिए, इधर जो जो टॉप डबल टॉप फॉर्म किया था इधर इस कैंडल पे और इस कैंडल पे जो डबल टॉप फॉर्म किया था वो ब्रेक हो चुका है। इधर ये जो रेजिस्टेंस था इधर से ब्रेक हो चुका था और उसके बाद ये 300 के आसपास जाने का कोशिश किया। तो इधर से अभी लगता है, देखिए इधर जो आप लोग कार्पेचर जो देख रहा है, ये जो ब्लैक वाला जो कार्पेचर देख रहा है ये इधर से घूमने लग रहा है लगता है। और इधर जो आपका जो रेजिस्टेंस है उसका, ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है उसका नज़दीक आने का कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका अब जब भी ये हुआ है तो देखिए, इधर से जब कट किया है तो इधर ऊपर गया है, इसके बाद ये जब नीचे आने का कोशिश किया तो ये नहीं, आपका रेजिस्टेंस जब नीचे आने का कोशिश कर रहा है तो ये नीचे आएगा। तो लगता है इसका नीचे आना चाहिए और निफ्टी का थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। और देखिए, इसका जो पीसीआर रेशियो है, निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 1.60 हो गया और बहुत दिन से लगातार दो तीन दिन से, तीन चार दिन से ये 1.50 के ऊपर, मतलब 1.60, 1.70, 1.89 इसके ऊपर पीसीआर रेशियो तो मतलब घूम रहा है। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट रेट कभी भी ले सकता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट रेट लेना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट रेट लेने मार्केट में जरूर करेक्शन जरूर आएगा। तो देखिए, इधर 12,600 में इसका अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर भी इधर हल्का सा जो 12,300 में हल्का सा शॉर्ट बिल्डअप है, सॉरी लॉन्ग बिल्डअप है। और 12,200 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, इस इधर लॉन्ग बिल्ड इधर सपोर्ट बना है और लॉन्ग बिल्ड सॉरी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो जो प्राइस भी इधर गिर रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन आई भी इधर का इधर कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड में आई भी कम होते जा रहा है। तो मार्केट का करेक्शन जरूर आना चाहिए। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट में करेक्शन जरूर आने वाला है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी बैंक का भी देख लेता हूँ। निफ्टी बैंक का भी वही चीज़ हुआ है, इधर डबल टॉप जो हुआ था उधर ब्रेक हो चुका है, उसके बाद ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है 4,440 लास्ट मिनट में, तो 4,440 तक गया है। इधर थोड़ा सा निफ्टी बैंक को थोड़ा सा आप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक ये आप में आप जाने का ही प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। इधर जो आपका रेजिस्टेंस है, इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर ही डायरेक्शन दिख रहा है। इधर इधर से ये जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था उसके बाद ये ऊपर गया था, उसके बाद ये इसी रेजिस्टेंस के जब ब्रेक करेगा ये 500 के ऊपर, ये और भी ऊपर जाना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा आप दिख लग रहा है, आप देख रहा है इधर से जो इसका रेजिस्टेंस बनता है, इसका ये थोड़ा सा आप दिख रहा है। तो
तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा आप अप ट्रेंड ले सकता है, लेकिन निफ्टी का जब करेक्शन आएगा तो बैंक निफ्टी का भी करेक्शन आना चाहिए। और इसका बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूँगा तो इसका नेक्स्ट एक्सपायरी में तो काली जेस्ट खत्म हुआ है। बैंक निफ्टी भी नेक्स्ट एक्सपायरी में 1.60 PCR रेशियो था, लेकिन अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है तो इसका PCR रेशियो 1.38 ऐसा कुछ है। तो इधर 32,500 में इसका सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना है और लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और इधर 32,000 में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, कॉल पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। लेकिन निफ्टी का जब करेक्शन आएगा इसका भी करेक्शन आ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही साथ कोरिलेशन ऐसा है कि इसका दोनों में ज़्यादातर एक ही साथ मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट करता है। तो इधर देखिए, इधर जो प्रोबेबिलिटी मैंने दिखाया है वो 6 का एक्सपायरी में, तो इधर 12,200 के जाने का 12,400 के 12,400 में रजिस्टेंस है, 12,200 में सपोर्ट है। तो इधर मतलब 12,200 के मतलब नीचे एक्सपायरी में नीचे जाने का कोशिश जरूर करेगा, करेक्शन इसका जरूर रहेगा। और इधर इधर भी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और मैंने देखिए मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन आप लोग को मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए सही लेवल का ज़रूरत होता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर शेयर करता हूँ और आप लोग को भी व्यू दिखाता हूँ वो कैसे परफॉर्म किया वो देख लेता है एक बार। देखिए इधर बाई सेल लेवल 1 में 32,272 के ऊपर इसका बाई लेवल था और 32,217 के नीचे इसका सेल लेवल था। तो इस इधर देख लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का, सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इधर 32,227 से ये ओपन हुआ था, तो उसके बाद 440 लगता रहा है। इधर मैंने इनमें चार्ट दिखाता हूँ, 15-मिनट चार्ट में, सॉरी इधर 32,325 के ऊपर अभी 5 मिनट का चार्ट भी देख लेता है, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इधर 5 मिनट के बाद आप लोग जब इधर इसको देखने से शॉर्ट कर देता हूँ, 5 मिनट के बाद ही इधर आप लोग 32,290 मतलब इधर देखिए नेक्स्ट लेवल में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। 272-32,300 इस लेवल के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। इस लेवल में इसका क्लोजिंग जब क्रॉस करता था 32,000 का ऊपर 290-300 के ऊपर जब क्लोजिंग ये ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। और इधर फर्स्ट में आप लोग को 364 तक हाई मिल गया था, उसके बाद 32,217 के नीचे इसका जब 32,217 के नीचे ये आया था, इस टाइम 32,017 में इसका सॉरी 32,017 में इसका सेल का एंट्री सेल था। तो इधर 32,217 का लेवल, इसके बाद फिर से ऊपर गया था 405 तक, तो 32,217 का लेवल भी शायद आया था, क्योंकि इधर 180 लो दिया था। देखते हैं, वो भी वो लेवल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उधर कम ही दिया था, 217 से 180 हुआ था उधर फर्स्ट में। इधर फर्स्ट कैंडल में ही ऐसा हो गया था। तो आप लोग को मौका नहीं मिलता था सेल का सेल जाने के लिए, आप लोग को बाई का ऊपर ही देखना चाहिए, बाई का ही आप लोग को देखना पड़ता था। उधर 380 लो गया था। और इधर इस फाइल में, इस फाइल से देखूंगा तो मतलब 22 लेवल थी फाइल से देखूंगा तो आप लोग देख लेते हैं क्या क्या देता हूँ, क्या क्या कैसे मतलब मिलता है। इधर 478 ऊपर गया था, 177 कोई भी लेवल नहीं आया था। और निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का 12,298 हाई हुआ था, इधर 12,260 से इसका बाई लेवल था और 12,243 से सेल का एंट्री लेवल था। तो 243 तो आया नहीं निफ्टी,
और आज